जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरबीआई ने कल नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है और 23 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अभी इस वक्त हम सिगरा चौराहे पर उपस्थित हैं और यहाँ हम लोगों से राय लेंगे कि क्या है इस पर उनकी राय, क्या इस नोटबंदी का असर पड़ेगा। 2000 का नोट कल से बंद हो गया है, जो 2000 नोट मेरे पास अभी तीन पड़ा हुआ है, जल्दी कोई लेता नहीं, जल्दी कोई फुटकर नहीं बजाता है, इसलिए हम लेना नहीं चाहते 2000 की नोट। तो मतलब अब आप भी नहीं लेंगे 2000 का? नहीं, अब नहीं लेंगे, जब आपसे अभी कंफर्म हो गया तो इसीलिए हम सुन रहे थे खड़ा होकर। 2000 की नोट मेरे पास तीन है, आज उसको भजा देते, अगर नहीं भजता है तो फिर जाके बैंक में ही भजाएंगे, क्योंकि हाँ, इसकी प्रक्रिया 23 मई से स्टार्ट हो गई है, जिसके तहत आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। तो इस पर आपका पर्सनली क्या रिएक्शन है? पर्सनली रिएक्शन है, कभी चालू करते हैं, कभी बंद करते हैं, या तो फाइनली या तो बंद कर दीजिए या तो चालू रखिए हमेशा के लिए। बंद करना था तो चलाए ही क्यों? हाँ, तो बंद, जब बंद करना है तो क्यों चलाए उसको, या तो चलाए तो फिर उसको चलने दीजिए, इसलिए कोई फुटकर नहीं देता है। कहीं भी 2000 की नोट मैं जाता हूँ बजाने तो कोई नहीं देता है। हालांकि ये सबसे बड़ी करेंसी थी, ये सबसे बड़ी करेंसी थी, तो जो है बड़े बड़े लोग के लिए 2000 के लिए, हम गरीब लोग के लिए नहीं है 2000। ये बताइए कि ये जो अभी 2000 के नोट बंद हुए हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा? इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता को इससे बहुत दिक्कत होती थी। 2000 के नोट लेकर के आते थे तो उनको फुटकर लेने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और इससे हम लोग को कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ा है। और वैसे भी एक दो इधर बीच इसका चलन काफ़ी कम हो गया था, इधर कुछ 2-4 महीनों से आने बहुत कम हो गए थे, और अगर हम लोग को आते भी थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग खुद ही पेमेंट में दे देते थे, तो हम लोग को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा इससे। जी, ये अभी तक सबसे बड़ी करेंसी थी जो कि बंद हो गई है, तो इसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी 23 मई से, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आपके पास भी नोट है? नहीं, हम लोग के पास नोट नहीं है, इसलिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है इस बात की। अब जिसके पास रखा होगा वैसा नंबर 2 में होगा, उसको परेशानी होगी, फिलहाल हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है इससे। 2000 का नोट बंद हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या इस पर पर्सनली कोई असर पड़ेगा? नहीं मैडम, काम छोटे वर्ग को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी तो बड़े लोग को तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन छोटे वर्ग को तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या आपके पास भी 2000 के नोट हैं? नहीं मैडम, हम लोग तो रोज पान की दुकान चलाने वाले हैं, कोई मतलब पान के छोटे व्यापारी हैं, ठीक है जी। बड़े स्टॉक करने वाले पे असर पड़ेगा काफी, जितने पास होगा उनको तो असर पड़ेगा ही काफी। इसके पहले भी नोटबंदी हुई थी, क्या वैसा ही माहौल बनेगा इस बार भी? नहीं, ऐसा तो सरकार का कोई नीति तो रख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी समय दिया हुआ है, ऐसा तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लोगों को जो भी हो। हालांकि इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। जी, ठीक है, ठीक है, अच्छा, सरकार की नीति अच्छी चल रही है, सरकार की काम अच्छा है, इससे मध्यम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, और जो भाई रखे हैं उनको तो दिक्कत है ही है। सरकार ने जितना समय दिया है, क्या उससे आप खुश हैं? हाँ, पर्याप्त समय मैडम, जिसके पास होगा भाई जो लीगल है वो बदल ले अपना जाके, सरकार ने तो कोई ऐसा ही काम नहीं किया जिसके पास लीगल नोट है, जाके बैंक में अपना बदल ले भाई। 2000 की नोट की करेंसी जो है बंद हो गई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? जो अमाउंट है उसको जमा करना पड़ेगा हमको अपने सेव करने के लिए। ये जो 2000 की करेंसी बंद हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? जी, हम लोगों के पास तो 2000 करेंसी आती ही नहीं, मार्केट में इतना ज्यादा रिसेशन चल रहा है कि हम लोगों को 2000 का नोट देखे जमाना बीत गया। अच्छा, मतलब जमाने हो गए 2000 के नोट देखे? 2000 का नोट देखे जमाना बीत गया। तो अभी तो खैर इसकी डेट सरकार ने दी है, 23 मई से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी और 30 सितंबर तक का डेट दिया है सरकार ने कि जिनके भी पास 2000 के नोट हैं वो बैंक में ले जाके जमा कर सकें, और एक साथ हालांकि 20,000 ही जमा कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब सरकार जो समय दी है, क्या ये सही है? पहले तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि 2000 का नोट बंद करने का अचानक से उन्होंने फैसला लिया क्यों है, मतलब इससे क्या मोटिव उनका क्या सेट होता है। अगर वो काला धन वापस लाने वाली बात हो रही है तो फिर वो तो नोटबंदी में देखा कुछ हुआ तो नहीं उसका, नोटबंदी में भी हुआ था तो ऐसा कुछ उसका इम्पैक्ट तो पड़ा निकाले धन पे। अब ये 2000 का नोट अचानक से गाइडलाइन में आना कि इसको बंद कर रहे हैं, तो फिर चालू ही क्यों किए 2000? जी, सही बात है। हाँ, चालू नहीं करना चाहिए, तो उस समय आपको नोट छापने की जल्दी थी, आपने 2000 का नोट छाप के मार्केट में दे दिया। अब जिनकी सेविंग्स हैं और फिर से इनके जो टारगेट होंगे घर की लेडीज होंगी, उनके पास थोड़ा अपना
हस्बैंड से चुरा के इधर उधर करके जो पैसा वो सेव करके रखती है, फिर उनका पैसा टारगेट हो जाएगा। बड़े सीधे तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि जो घर हाउसवाइफ है उन पर असर पड़ सकता है, उन्हीं पे असर पड़ेगा। बाकी तो बड़े बड़े नेता है, वे है, वो तो अपना चेंज करा के वापस से अपना पैसा अपनी जगह रख लेंगे, वो 500 में चेंज करा लेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मेन आम आदमी पे असर आएगा इसका, और मार्केट में एक तरह का ना भगदड़ मच जाता है, क्योंकि अभी क्या है, कुछ लोग आधी न्यूज समझते हैं, कुछ लोग पूरी न्यूज समझते हैं, और ये जो खरीदारी है मार्केट इस पे सब पे इनका असर आ जाता है। ये बात आपने सही कहा कि भाई लोग पूरी न्यूज़ नहीं समझते हैं और आधा सुधा सुनी हुई न्यूज़ पर रिएक्शन करते हैं। जी अभी UPI वाले केस में भी यही हुआ था, कुछ टाइम तक मार्केट में एकदम से कोई ना पैसा UPI से ले रहा था ना दे रहा था, सब डरे हुए थे क्योंकि पूरी न्यूज़ तक पहुंचती नहीं है, और ये आधी अधूरी न्यूज़ कभी व्हाट्सएप से कभी इंस्टाग्राम से ऐसे आती है।